हमास के इसराइल पर शुरू हुए ताबड़तोड़ हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर के रख दिया है। इसराइल और हमास के बीच की भड़की आग को लेबनान ने और पैना कर दिया है। उत्तरी इसराइल पर अब लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध का काला साया मंडरा रहा है। हिजबुल्ला लड़ाके लगातार इसराइल पर बमबारी कर इलाके में तनाव को बनाए हुए हैं। इसराइल भी लगातार हिजबुल्ला कमांडरों को ढेर कर इस्लामिक प्रतिरोध को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे में ये भीषण युद्ध जितना पुराना होता जा रहा है उतना ही खतरनाक भी। हिजबुल्ला लड़ाकों की ओर से आए दिन हमलों ने इसके दायरे को कई गुना विनाश की ओर ढकेलने का काम किया है। हिजबुल्ला लड़ाके बेहद आक्रामक तरीके से इजरायली बलों पर हमलावर हैं। इस कड़ी में इजरायली हमलों से बौखलाए हिजबुल्ला ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों पर भीषण हवाई हमलों को अंजाम दिया है। लड़ाकों ने इजरायली मसगाव एम मिलिट्री साइट पर तैनात जासूसी उपकरणों को निशाना बनाया। समूह ने दावा किया कि सेनानियों ने मेटाग बैरक के पास इजरायली सैनिकों की एक सभा को रॉकेट से निशाना बनाया। इसमें इजरायल को बड़े नुकसान का अंदेशा जताया गया है। अपने हमलों की सीरीज में इस्लामिक प्रतिरोध ने तोपों से कब्जे वाले लेबनानी कफार शोबा हिल्स में सुमाक्का मिलिट्री साइट के पास इजरायली बलों पर हमला बोला। हिजबुल्ला ने अपने लंबे ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि लेबनानी कफार शोबा हिल्स में रुएसत अल आलम साइट को टारगेट किया। ऐसा दावा है कि इस दौरान सीधे हमले में दुश्मन खेमे में जबरदस्त तबाही मची। हिजबुल्ला ने इसराइल को दहलाने के लिए दिन और रात एक कर दी है। समूह के लड़ाकों ने रात में भी इसराइली ठिकानों पर भीषण हमलों से तबाही मचाई। दावा है कि लड़ाकों ने आधी रात में रॉकेट सैल्वो के साथ जल अल दीर चौकी में इसराइली फौज पर अचानक से हमला किया। इसके अलावा लेबनान के शहर बाराशीट में इजरायली हमलों के जवाब में इस्लामिक प्रतिरोध ने ग्रेड रॉकेटों की बौछार से माउंट नेरिया बेस को निशाना बनाया। वहीं इजरायली चैनल 14 ने बताया कि लेबनान से ऊपरी अल जलील की ओर कम से कम 15 रॉकेट लॉन्च किए गए। लेबनानी सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर बेत जान तक इमरजेंसी सायरन बजते रहे। एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि हिजबुल्ला उत्तरी मोर्चे पर अपने अभियान तेज कर रहा है क्योंकि ये हमले घातक और अधिक शक्तिशाली हैं। अब ये इलाके बड़ी तेजी से खतरनाक होते जा रहे हैं। उत्तरी इजरायल में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हिजबुल्ला के ड्रोन और रॉकेट हमलों के चलते उत्तरी कब्जे वाले इलाके में हर दिन अलर्ट सायरन बजते हैं। वहीं इजरायली सुरक्षा बलों ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्ला के 2 सदस्य ढेर हुए। बताया जाता है कि हिजबुल्ला ने भी अपने दोनों लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की। बीते साल अक्टूबर के बाद से लेबनान के हिजबुल्ला समूह के सदस्यों की मौत की संख्या 408 पहुंच गई है। इससे पहले IDF ने बताया था कि इजरायली एयर डिफेंस ने लेबनान से लॉन्च किए गए 2 ड्रोनों को मार गिराया था, जिसमें एक को केरियत शमोना इलाके में मार गिराया गया, जबकि दूसरे को इजरायल में प्रवेश करने से पहले ही लेबनान के ऊपर रोक लिया गया था। इससे जुड़े कई वीडियोस और फुटेज भी वायरल हुए हैं। इसमें आयरन डोम की गैलीली पेनहैंडल के ऊपर एक ड्रोन को रोकते हुए देखा जा सकता है।